हेलो प्यारे बच्चों, ये है हमारी वर्कशीट यानी क्रियाकलाप संख्या 53 और ये 53 नंबर वर्कशीट जो हमें करनी है 4 सितंबर 2020 को और कक्षा 3 से 5 के सभी बच्चे करेंगे, 3rd to 5th। और आपको अपनी क्लास उसका सेक्शन ज़रूर लिखना है, अपना नाम लिखना है और अपनी अध्यापिका का या अध्यापक का नाम भी लिखना है। अब देखें तो हमारी वर्कशीट यानी कि ये जो हमारी एक्टिविटी है वो कौन से टॉपिक पर है? जी आपने सही पढ़ा, विलोम शब्द। एक कहानी, एक किस्सा बताया हमें। माँ सुबह से कुछ ढूंढ रही है। उन्होंने लीना से पूछा, क्या उसने उनकी बालियाँ कहीं देखी है? लीना ने अभी अभी सोकर उठी थी। अब उसने आंखें मलते हुए पूछा, बालियाँ कौन सी, बालियाँ कौन सी, छोटी वाली या बड़ी वाली? माँ ने बताया, बड़ी वाली। लीना, अच्छा आपने उन्हें अलमारी के अंदर रखा था या बाहर? माँ ने कहा, अलमारी में तो नहीं है, हो सकता है कहीं बाहर रखी हों। लीना बोली, माँ उन बालियों की कीमत बहुत अधिक थी या कम? माँ लीना से के सवालों से परेशान हो गई और बोली, तुम बालियाँ ढूंढने में मेरी मदद भी करोगी या आज विलोम शब्दों का खेल खेलने का मूड है? तो इसी तरह से हम भी क्या खेलेंगे, विलोम शब्द का एक खेल। देखिए बेटा, विलोम शब्द क्या होते हैं? विलोम शब्द यानी कि शब्दों का वह जोड़ा जिसका अर्थ उल्टा होता है। देखिए, विलोम शब्दों के जोड़े में दोनों शब्दों का अर्थ एक दूसरे से विपरीत होता है या आप जिसे कहते हैं उल्टा होता है। लीना के सवालों में कई शब्द और उनके विलोम शब्द आए, जैसे छोटी, बड़ी। क्या आपने उसके सवालों में आए और विलोम शब्द खोजकर जाने? तो देखें हम कौन कौन से विलोम शब्द आए थे। ये देखिए, पहले छोटी, बड़ी, एक विलोम शब्द का जोड़ा हो गया। उसके बाद देखिए, अंदर, बाहर, फिर उसके बाद अधिक, कम। तो ये सारे हमारे क्या है बेटा, विलोम शब्द। देखिए बेटा, यहाँ पर हमने जो सारे शब्द उल्टे, जो हमारे जो विलोम शब्द का जोड़ा है जो हमने ऊपर ढूंढे, वो हमें यहाँ पर लिखने हैं। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 2। पहला प्रश्न तो हमने यहाँ पूरा कर लिया, सारे विलोम शब्द इसमें से ढूंढे और नीचे यहाँ लिख दिए। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2 में क्या करना है। नीचे दिए गए दोनों गोलों में से एक एक शब्द चुनकर विलोम शब्दों के जोड़े बनाइए और नीचे दी गई जगह में लिखिए। तो देखिए, ये देखिए, ये हमें दिए गए हैं कुछ शब्द और हमें ये जो सारे शब्द है बेटा, यहाँ पे नीचे आप एक एक करके लिख दीजिए और इनका जो विलोम शब्द है हमें इस गोले में से लेना है। जैसे आकाश, तो आकाश का कौन सा है, पाताल। अपना, अपना का कौन सा है, पराया। फिर है लाभ, लाभ का है हानि। फिर है पास, पास का है दूर। इसी तरह से नया, नया का कौन सा हो जाएगा, वाह सब बच्चों को आता है ये। सावधान, असावधान। अंधकार, अंधकार का मतलब होता है बेटा अंधेरा, तो अंधकार का विलोम क्या हो जाएगा, प्रकाश। फिर है इच्छा, अनिच्छा और गुण का है अवगुण। इस तरह से आप सभी बच्चे ये सारे शब्द पहले यहाँ उतार लेंगे, फिर एक एक करके इनके विलोम शब्द इस गोले में से लेकर यहाँ लिखेंगे उसके सामने और अपना काम सुंदर सुंदर करके अपनी मैडम के पास टाइम से भेजेंगे। सो बेटा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप लर्निंग।